हेलो फ्रेंड्स मैं उदय आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश पर गाइस फटाफट -फड़ लाइव आ काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है नाउन पार्ट टू प्रैक्टिस सेट में लेके आ गया हूं निश्चित तौर पे जो क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट में लेके आया हूं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले गई तो फटाफट आ जाए बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करें पेड बैच का यह प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट सभी बच्चों के लिए मैंने फ्री कर दिया है ताकि एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप पढ़ पाए ट right, जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है उसकी जो प्रैक्टिस है वो बेहतर तरीके से आप समझ पाए जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी फायदेमंद होने वाले तो फटाफट आ जाए ये सेशन मैंने पे इसलिए रखा है क्योंकि रात में साढ़े दस बजे एल टी ग्रेड की क्लास लगी हुई है लिटरेचर और ग्रामर जिसमें दोनों ही पढ़ाया जाएगा गाइज तो फटाफट आ जाए जरा मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ सेशन को जरा गाइज मैं भी शेयर कर देता हूँ ओके आप लोग भी बच्चे शेयर कर दें फटाफट यस इसको जरा सा फटाफट शेयर कर दिया जाए ताकि लगभग बच्चे जुड़ जाएं ओके फटाफट आ जाएं यस लगभग बच्चों को मैंने शेयर कर दिया है या गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरी जितने बच्चे जुड़ रहे हैं सभी को गुड आफ्टरनून गाइस सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच ओके टेलीग्राम चैनल गाइज आपने अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है फटाफट इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए इस क्लास के बाद इसका पीडीएफ इसी चैनल में डाला जाएगा फेसबुक पर इंग्लिश बायोदसर के नाम से पेज है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ओके तो चलिए बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं सुपर टेट का जिन बच्चों को बैच ज्वाइन करना है इस नंबर पर वो इंक्वायरी कर सकते हैं और ट्वेंटी मार्च से ट्वेंटी नया एल ग्रेड का बैच शुरू हो रहा है नया एल्टी ग्रेड और ग्रामर का बैच शुरू हो रहा है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं जितने भी बच्चों को एडमिशन लेना है वो मैसेज कर सकते हैं ठीक है फटाफड़ आ जाए चलिए कोई आज एक्स्ट्रा बात नहीं होगी पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा पार्ट वन में भी मैंने 25 कराए थे इसमें ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है तो एक बेहतर कलेक्शन आपको मिल जाएगा और इसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस बुक लेके नाउन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसे पढ़ना है ओके राधे राधे सौरभ वर्मा राधे राधे अलका सिंह गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून बच्चे फटाफट आ जाए तो देयर आर डिफरेंट देयर आर डिफरेंट देयर के बाद जो वर्ब आया है बेटा आर आया है डिफरेंट थे ऑफ द बर्थ ऑफ रिलीजन देखिए ग्रामर तो मैंने आपको बेसिक से पढ़ाई है पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना मैंने आपको बहुत बेसिक बेसिक से बताया है राइट right? कि ये ऑफ प्रेपोजिशन है तो रिलीजन क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है किसी वर्ड में ई एन टी या ए एन टी लग जाए तो वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है तो डिफरेंट क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा फिर देखिए ऑफ प्रेपोरिशन है तो प्रेपोरिशन के बाद नाउन आता है बर्थ क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा ये सब मैंने बेसिक आपको बेसिक्स uh, आपको पढ़ाए हैं बैच में राइट right? मैंने आपको बताया था किसी भी वर्ड में टीएच लग जाए किसी भी वर्ड में लास्ट में टीएच लग जाए वो सिर्फ और सिर्फ नाउन का ही काम करता है ओके okay. एक मिनट बेटा जरा देख लिया जाए सभी बच्चों को मिल गया है कि नहीं मिला है पहले एक बार जरा मैं देख लेता हूं हाँ, लगभग बच्चों को शेयर कर दिया गया यस yes, यस yes, काफी बच्चे जुड़ रहे हैं थैंक यू ओके कांति देवी बी बहुत से बच्चे बी बता रहे हैं गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून डियर तो ये सारी चीजें द आर्टिकल है नाउन के लिए ही आता है ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं तो इस कॉन्सेप्ट इस के साथ जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ोगे किसी भी चैप्टर को गाइज आप पढ़ रहे हैं और आपके बेसिक्स अगर क्लियर है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अब आइए बात करते हैं इसमें एरर कहां है राइट right? तो देयर आर डिफरेंट थे लिखा हुआ है अब देखिए आर क्या है प्लूरल वर्ब है राइट देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे बात हुई है तो ये जो टी एच ई एस आई एस थे ये होता है सिंगुलर अब क्योंकि वर्ब अगर प्लूरल आया है तो डिफरेंट डिफरेंट के बाद हम प्लूरल नाउन का यूज करेंगे किसका यूज करेंगे प्लूरल ये आर हमको बता रहा है कि हमें प्लूरल नाउन की जरूरत है किसकी जरूरत है

Radius, eye, focus, foci, ये सारे words मैंने बताए थे ओके तो देखिए ये पूछा गया है बेसिस हो गया बेसिस हो गया क्राइसिस हो गया क्राइसिस हो गया ओके ये देखिए ये आज का क्वेश्चन है thesis का क्या हो गया थेसिस हो गया तो एस आई एस को हटा के ई एस हम लगा देंगे क्या लगा देंगे ई एस लगा देंगे तो ये सारी चीजें मैं कई बार आपको बता चुका हूं फेनेमन राइट right? फेनेमिना हो गया क्राइटेरियन क्राइटेरिया हो गया मेमोरेंडम मेमोरेंडा हो गया एनालिस एनालिस हो गया एनालिसिस एनालिसिस हो गया ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा thesis हो जाएगा तो thesis का प्लूरल क्या होता है thesis होता है ये होता है प्लूरल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इसका प्लूरल नाउन हो जाएगा एक मिनट बेटा जरा इसको सही से मैं लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो यह क्या हो जाएगा प्लुरल नाउन हो जाएगा प्लूरल नाउन हो जाएगा तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो नॉर्मल लाइफ में आप नहीं यूज करते हो कई बार एग्जाम्स में आती हैं और आप अक्सर गलत करके चले आते हो तो यही चीजें आपको नहीं करनी है तो देर आर डिफरेंट राइट राइटिस ऑफ द बर्थ ऑफ रिलीजन चलिए यस गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून अक्सर मैं साढ़े दस बजे ही क्लास लेता हूं तो बहुत से बच्चों को नहीं पता कि मैं इस समय क्लास ले रहा हूं लेकिन मैंने लगभग बच्चों को शेयर कर दिया बाद में भी देख सकते हैं अगला देखते हैं अगला देखिए क्वेश्चन ड्यूरिंग हिज लेक्चर अपने लेक्चर के दौरान द एक्सपर्ट प्रोवाइडेड बेसिस टू जज द ट्रूथ नो एर बताए बेटा किस पार्ट में फटाफट आंसर दें रेशु शर्मा गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून यस फटाफट आ जाए देखिए थोड़ा सा गर्मी है, पढ़ना स्टार्ट हो गई है तो पानी वानी भी पीते रहना चाहिए बीच बीच में फटाफट आंसर देगा इस ओके okay. लगभग बच्चे आंसर दे रहे हैं थैंक यू ठीक है तो देखिए ड्यूरिंग लेक्चर द एक्सपर्ट प्रोवाइडेड आ नंबर आपको कुछ नहीं देखना है आपको देखना है यहां पर आ नंबर क्या देखना है आपको देखना है आ नंबर ऑफ मैंने आपको बताया था आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ इन दोनों के बाद गाइड मैंने आपको बताया था हमेशा प्लूरल नाउन आता है तो एक्स्ट्रा दिमाग आपको लगाना ही नहीं था दोनों के बाद क्या आता है प्लूरल नाउन आता है तो बेसिस का जो प्लूरल हो जाएगा गाइस वो क्या हो जाएगा बेसिस हो जाएगा अभी मैंने पीछे बताया था सारी चीजें मैं बता चुका हूं बस मेरा मेरा इंटेंशन ये है उद्देश्य बताने का कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर नाउन से और बच्चे गलत करके आते हैं तो ये सारी चीजें आपको गलत नहीं करनी है तो यहां क्या हो जाएगा बेसिस राइट right? तो पार्ट सी में एरर है ओके okay, बहुत शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन अभी आपको मिलने वाला है आप सभी लोग जुड़े रहे सेशन को शेयर कर दें सेशन को लाइक कर लें इस जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी लोग लाइक करना सेशन को ना भूलें अगला क्वेश्चन देखें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है साइंड थ्री थ्री की बात हुई है देखिए यहां पर एडजेक्टिव जो आया है वो थ्री लिखा हुआ है थ्री मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझते ना दो देशों के बीच विथ द अमेरिकन गवर्नमेंट राइट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यह आपका सब्जेक्ट है इसीलिए आपका वर्ब सिंगर आया है साइंस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, है, की, की थर्ड फॉर्म आती है आपको पता ही है थ्री मेमोरेंडम ऑफ अंडर अमेरिकन गवर्नमेंट यस हां यह भी एक रीजन है कई बच्चों के मुझे मैसेजेस आए थे कि सर अभी हम कॉलेज में होते हैं अभी स्कूल है में होते हैं बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो टीचर हैं ऑलरेडी तो आप लोग बाद में देख लीजिएगा ऐसा नहीं कि लेक्चर गायब हो जाएगा लेक्चर रहेगा ठीक है और आज रात साढ़े दस बजे एलटी ग्रेड की क्लास है इसी चैनल पर एलटी ग्रेड की क्लास है जिसमें लिटरेचर और ग्रामर ओल्ड ऑन ग्रेशियन अर्न से रिलेटेड काफी क्वेश्चन होंगे जॉन कीट्स की बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं और ग्रामर के क्वेश्चन होंगे तो जो लिटरेचर भी बच्चे साथ साथ पढ़ रहे हैं उन्हें आज रात साढ़े बजे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं ठीक है तो देखिए थ्री थ्री लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है जो मेमोरेंडम होता है यू एम को हटा के हम ए लगा देंगे क्या लगा देंगे ए लगा देंगे अभी मैंने पीछे बताया यू एम को रिमूव करके प्लूरल बनाना हो कुछ फॉरेन वर्ड्स के मैंने प्लूरल फॉर्म आपको बताए थे तो देखिए मेमोरेंडम आया हुआ ये देखिए ये आप देख सकते हैं मेमोरेंडम सिंगुलर है इसका प्लूरल क्या होता है मेमोरेंडा क्या होता है मेमोरेंडा पेड बैच में सारी चीजें बहुत डिटेल्ड वे में मैंने बताई है बहुत डिटेल्ड वे में तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है तो ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड थ्री लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है प्लूरल चाहिए हमें सिंगुलर नहीं चाहिए तो मेमोरेंडा हो जाएगा है। क्या हो जाएगा मेमोरेंडा हो जाएगा राइट right? मेमोरेंडा कर दीजिए प्लूरल नाउन ये होता है प्लूरल और मेमोरेंडम इसका सिंगुलर होता है ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द अमेरिकन गवर्नमेंट ठीक है तो ये पार्ट आप देख सकते हैं बी में एरर है जितने बच्चों का पार्ट बी में एरर आया है बिल्कुल सही है पार्ट बी में एरर है गाइस अगला देखते हैं अरेबियन नाइट्स आर कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ एडवेंचर बताए गुड आफ्टर गुड आफ्टर फटाफट Nights सबसे पहली बात है कि कई सारी नाइट्स की बात नहीं हो रही है अरेबियन Nights एक बुक का नाम हो सकता है एक मूवी का नाम हो सकता है मान लीजिए किसी का नाम स्टीफन फ्लेमिंग है तो फ्लेमिंग वर्व थोड़े ना हो गए उनके नाम में आईएनजी आ गया है तो ये एस को देख के कंफ्यूज मत होइएगा यही नाउन चैप्टर की क्वालिटी है कि ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलत करके आते तो ये नाम है कलेक्शन का नाम है राइट right? एपिसोड्स के कलेक्शन का नाम है बुक के कलेक्शन का नाम है या किसी बुक का नाम है कुछ भी आप कह लीजिए लेकिन ये प्लूरल नहीं है तो अरेबियन नाइट्स क्या हो जाएगा इज हो जाएगा इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ एडवेंचर बिल्कुल थैंक यू थैंक यू वेरी मच यस ईद आएगा बिल्कुल ईद आएगा बिल्कुल पार्ट वन में रह जल्दी जल्दी बढ़ते जाए द एडवर्टीजमेंट अट्रैक्टेड ऑल द पासर बाय द अट्रैक्टेड ऑल द पासर बायज फटाफट आंसर दें ठीक है वात्सल्य शर्मा हई यू कैसे हैं बच्चा तो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी का मैं उदय स्वागत करता हूं फटाफट -फड़ जुड़ते चले जाएं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का आप सभी लोग फटाफट -फड़ ज्वाइन कर लें जितने भी बच्चे हैं फटाफट फड़ ज्वाइन कर लें थैंक यू थैंक यू तो द अट्रैक्टेड बाय अट्रैक्टेड ऑल द पासर बाय तो देखिए पासर बाय का मतलब क्या होता है मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है, मतलब है राहगीर एक की जब बात होती है यहां पर ऑल लगा है ऑल कैसा एडजेक्टिव है जिसके बाद अगर काउंटेबल नाउन हो सकता है तो आएगा ही आएगा अगर प्लूरल नाउन हो सकता है तो आएगा ही आएगा पासर बाय का प्लूरल जो होता है वो पासर्स बाय होता है क्या होता है पासर्स बाय मतलब होता है राहगीर रांग चलने वाले लोग क्या मतलब होता है राहगीर तो बेटा सी पार्ट में पासर्स बाय हो जाएगा क्या हो जाएगा पासर्स बाय तो बाइस में एस नहीं लगेगा पासर में एस लगेगा इज दैट क्लियर बिल्कुल रिंपल यादव अनुपमा समर थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू। गाइज जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जुड़ने के लिए और यकीन मानिए हर चैप्टर के बाद ग्रामर का जो मैं डिटेल्ड वे में पेड बैच में पढ़ा रहा हूं प्रैक्टिस सेट सभी के लिए फ्री रहेगी तो हर चैप्टर के लगभग 50 टू 60 एमसीक्यूज में कराऊंगा नाउन के देखिए 50 हो गए इसके अलावा जो रात में प्रैक्टिस बैच चलता है साढ़े वाला उसमें तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आते ही रहते हैं लेकिन पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड भी मैं एमसीक्यूज कराऊंगा आप लोगों को तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है ओके ओके ठीक है अगला देखते हैं कंपनीज डिसीजन टू इशू देखिए कंपनीज डिसीजन में डिसीजन नाउन है और कंपनी के डिसीजन की बात हो रही है तो जो कंपनीज वर्ड लिखा हुआ है ये एक तरह से एडजेक्टिव का, का काम करेगा वैसे तो नाउन होता है लेकिन अगर नाउन के जस्ट पहले दूसरा नाउन आकर उसकी क्वालिटी बता रहा हूं तो वो अपने आप क्या हो जाता है एडजेक्टिव हो जाता है द कंपनीज डिसीजन टू इशू बोनस शेयर क्लियरली इंडिकेट्स द मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर बताइए किस पार्ट में रहेगा इस फटाफट फड़ बताए अलका सिंह थैंक यू अलका थैंक यू जितने भी स्टूडेंट जुड़े सबका दिल से धन्यवाद यस रजनी का आंसर आ रहा है रेतु का आ रहा है रिंपल यादव का भी आ रहा है यस थैंक यू थैंक यू वेरी मच और यकीन मानिए ये सीरीज देखने के बाद जितने भी बच्चों ने पेड बैच में लेक्चर पढ़ रखा है ना उनका उन्हें एक दूसरे ही तरीके का कॉन्फिडेंस फील होगा गाइस और ये जो वर्ड में कॉन्फिडेंस बोल रहा हूं यही आंसर है राइट right. तो देखिए द आर्टिकल है मैंने आपको बताया था आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है तो मैनेजमेंट तो नाउन है नहीं क्योंकि कॉमा अगर लग गया तो वो नाउन नहीं 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 होता क्योंकि वो वो सब्जेक्ट बन मन सकता मैनेजमेंट इज गुड कह सकते वो दूसरे नाउन की क्वालिटी बताएगा तो कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए था यहां पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए था क्या होना चाहिए था कॉन्फिडेंस किसी भी वर्ड में ई एन सी या एन सी लग जाए तो बेटा नाउन का काम करता है मैंने बहुत पहले आपको बताया किसी भी वर्ड में गाइज एन सी लग जाए ई e एनसी लग जाए तो सिर्फ और सिर्फ नाउन का काम करता है और ई एन टी अगर लग जाए तो मैं एडजेक्टिव में आपको पढ़ाऊंगा किसी भी वर्ड में अगर हम ई e एन टी यूज कर रहे हैं या एन टी यूज कर रहे हैं तो ये सब एडजेक्टिव बन जाते हैं इंपॉर्टेंट हो गया इंटेलिजेंट हो गया एरोगेंट हो गया इनसेंट हो गया तो बहुत सारे हैं आपको एडजेक्टिव पता चलेंगे लेकिन अगर ई e एनसी या ए एन सी का यूज कर रहे हैं तो वो नाउन का काम करता है क्या होता है नाउन का, का काम करता है ओके okay? तो द कंपनी का जो डिसीजन है टू इश्यू बोनस शेयर के लिए क्लियरली वो इंडिकेट्स क्लियरली इंडिकेट्स जो इंडिकेट्स वर्ब आया है ये कंपनी के डिसीजन के लिए आया सिंगुलर है क्लियरली है. की बात कर रहा है क्लियरली इंडिकेट्स ओके एडवर्ब का काम कर रहा है द मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो मैनेजमेंट जो है एडजेक्टिव है हमें इसके आगे एक नाउन की जरूरत थी तो यहां पर कॉन्फिडेंस की जरूरत है मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर अबाउट एक प्रेपोजिशन है तो फ्यूचर गाइड क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा ठीक है यस यस वाशाल्य शर्मा तो ये छोटी छोटी चीजें आप लेके चले ठीक है तो कैसी लग रही है क्लास आप लोग जरूर बताएं ओके थैंक यू थैंक थैंक यू यू वेरी मच और सभी लोग बेटा सभी लोग सेशन को लाइक तो कर लीजिए अगला देखिए क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको फटाफट ना क्या होगा वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको हम्म युगांश शुक्ला वो यू कैसे हैं तो देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि वन ऑफ वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आता है तो भाई साहब सिंगुलर वर्ब तो आया है लेकिन वन ऑफ द देखिए कैसे बेवकूफ बनाया गया है द के बाद मोस्ट एडजेक्टिव आ रहा है वाइडली स्प्रेड की बात हो रही है दोनों ही यहां पर नाउन नहीं है बैड फिर एडजेक्टिव आ रहा है हैबिट नहीं होगा यहां पर क्या हो जाएगा हैबिट्स हो जाएगा वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स हैबिट क्योंकि नाउन है तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है गाइस वो हमेशा प्लूरल आता है तो हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल यूज ऑफ टोबैको तो हैबिट्स हो जाएगा क्योंकि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का हम यूज करते हैं अगला देखिए क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड विशेष टू द बॉस द सेक्रेटरी सेट टू दियोन ऑफ द मैनेजर बताएं फटाफट क्या होगा जल्दी जल्दी आंसर दें देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा इसका आंसर है आप लोग फटाफट फड़ इसका आंसर दें कई बार एग्जाम में पूछा गया है देखिए एक वर्ड होता है रिगार्ड क्या होता है रिगार्ड और एक वर्ड होता है रिगार्ड क्या होता है, regard और में एक होता है वो क्या होता, मैं आपको बताना चाहता हूं राइट जैसे आ, लेटर वगैरह जब हम किसी को देखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं काइंडली थॉट्स एंड विशेष राइट रिगार्ड्स का यूज किया जाता है तो कन्वे माई रिस्पेक्ट्स कन्वे माई रिगार्ड्स ओके विशेष यूज करते हैं तो याद रखिएगा रिगार्ड का मतलब होता है आदर रिस्पेक्ट क्या कहेंगे आदर या रिस्पेक्ट और रिगार्ड्स का मतलब होता है शुभकामनाएं कॉन्ग्रेचुलेशन आप बोल सकते हैं इसका मतलब होता है शुभकामनाएं क्या हो जाएगा शुभकामनाएं तो यहां शुभकामनाओं की बात हो रही है क्योंकि एंड के बाद देखिए क्या लगा हुआ है विशेष लगा हुआ है और मैंने आपको बताया था जो कंजंक्शन एंड होता है इनसे दोनों चीजें हमेशा सेम जुड़ती हैं तो आदर और विशेष तो नहीं होगा विश आप कब करते हो किसी को जब किसी को शुभकामनाएं देते हो विश देते हो दोनों सिमिलर वर्ड लग रहे हैं तो हो हो सकता है, हो सकता है है तो यहां पर शुभकामनाओं की बात हो रही है रिगार्ड हो जाएगा ना कि रिगार्ड ओके याद रखिएगा काली रिगार्ड का मतलब आदर या रिस्पेक्ट होता है ये छोटी सी बात है इंपॉर्टेंट है छोटा सा डिफरेंस था लेकिन एक नंबर गलती करके आते अगर आपको नहीं पता था तो तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा रिगार्ड्स हो जाएगा यस ए पार्ट में एरर है अगला देखते हैं द डॉक्टर द लॉयर एंड द इंजीनियर्स कंपनी हैज बिन डिक्लेयर्ड बैंक बताइए किस पार्ट में एरर है फटाफट आंसर दें बताइए किस पार्ट में एरर है द डॉक्टर द लॉयर एंड द इंजीनियर्स कंपनी हैज बिन डिक्लेयर्ड बैंक विकास शर्मा का है, आ है।, अच्छा, है। आंसर, का आंसर आ रहा है अच्छा ठीक है और भी बच्चे आंसर दें कुछ बच्चों का बी आंसर आ रहा है अच्छा बहुत से बच्चे हैव आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे डी भी आंसर दे रहे हैं ओके ओके कुछ बच्चे डी आंसर दे रहे हैं ठीक है आंसर देते रहे फटाफट प्रेमलता कुशवाहा देखिए देखिए लगभग बच्चों का गलत आंसर आ रहा है लेकिन इसीलिए तो बेटा प्रैक्टिस सेट कराया जाता है कि आप गलत दे रहे हो तो हम उसको सही करें देखिए समझिए डॉक्टर भी एक नाउन है लॉयर भी एक नाउन है और इंजीनियर भी एक नाउन है लेकिन अगर एपेस्ट्रॉफी कॉमा लास्ट में लगा हुआ है तो इसका मतलब है भैया जो डॉक्टर है जो लॉयर है जो इंजीनियर है कंपनी जो है तीनों की एक है इसमें नो एरर है डॉक्टर लॉयर एंड इंजीनियर की कंपनी यानी डॉक्टर लॉयर इंजीनियर तीनों की एक ही कंपनी की बात हो रही है वो क्या हो गई है बैंक करप्ट हो गई है तो इसमें नो no एर है सिंगुलर वर्ब आएगा क्या आएगा सिंगुलर वर्ब आएगा ये चीज आप ध्यान रखिएगा राइट right? ये चीज आप ध्यान रखिएगा नहीं नहीं ये दा वाला वो रूल नहीं है जो आप समझ रहे हो दोनों में दा लग गया क्योंकि उनमें उनमेंट्रॉफिकॉम नहीं लगता है ये एस वाला रूल है वो द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी कम वो दूसरा है ये रूल दूसरा है ये यह कॉमा वाला रूल है बेटा ये दूसरे नाउन पर अधिकार बताता है वहां पर दा प्लस नाउन की बात करते हो आप लेकिन यहां डॉक्टर लॉयर इंजीनियर तीनों एडजेक्टिव बन रहे हैं कंपनी नाउन है जरा ध्यान से देखिए यहां पर डॉक्टर लॉयर इंजीनियर की कंपनी की बात हो रही है इनकी बात नहीं हो रही है कंपनी की बात हो रही है और कंपनी की बात हो रही है तो कंपनी तो सिंगुलर है तो हैज लग जाएगा क्या लग जाएगा हैज लेकिन अगर तीनों में लगा होता अब मैं आपको थोड़ा लॉजिकली तरीके से समझाता हूं अगर तीनों में पेस्ट्रॉफी कॉमे लगा होता तो डॉक्टर की कंपनी अलग होती लॉयर की कंपनी अलग होती इंजीनियर की कंपनी अलग होती और फिर प्लूरल आ जाता अगले क्वेश्चन में देखिए तो इसमें बेटा नो एरर है इसमें नो एरर है बेटा देखे अगला क्वेश्चन देखिए अब जरा ओके अपस ने खेल कर दिया बिल्कुल खेल कर दिया बेटा बिल्कुल फटाफट फटाफट अगला क्वेश्चन देखें रेशू ओके

क्या यूज होगा इस बार गाइज आपको हैव लगाना है डॉक्टर की लॉयर की एंड द इंजीनियर की कंपनी हैव में जा रहा है उसको डिक्लेयर किया गया है बैंक करप्ट ओके ये चीज आप मनी सर कोई दिक्कत नहीं है बेटा कोई दिक्कत नहीं है नहीं रॉन्ग होगा आप सभी लोग सेशन को सब्सक्राइब करें बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें राइट right, मैं देखता हूं सब्सक्राइब बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता लेकिन सब्सक्राइब आप लोग सब लोग करें करेगा और मुझे आपके हेल्प की जरूरत है जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े थैंक यू यस यस सुपर टेट के लिए तो रामबाण एक क्लास बिल्कुल सभी एग्जाम के लिए ये क्लास सुपर टेट यूपी टेट एनडीए सीडीएस एसएससी बैंक टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड डी ट्रिपल एस बी अरे नाउन सब में आता है ऐसा थोड़े ना एलटी ग्रेड में टाउन आ जाएगा नाउन तो नाउन ही है बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं टीचर के बाद इतना आसान आंसर है कि सभी के लिए नाउन सेम होता है बच्चे कुछ कहेंगे सर ये सुपर के लिए कुछ कहेंगे सर एस एस के लिए कुछ कहेंगे बैंक के लिए अरे भैया एप्पल को एप्पल को बैंक में भी एप्पल बोला जाता है एनडीए में भी एस में भी टीजीटी पीजीटी सब में एप्पल ए बोला जाएगा ग्रेपल नहीं बोला जाएगा ठीक है अरे युगांग जी थैंक यू थैंक थाँग्य� यू थैंक यू वेरी मच अगला देखते हैं दर्स आंसर वॉज बेटर कॉन्टेस्ट एट द कॉन्टेस्ट देखिए ग्रामर को लेकर के चलिए केवल यह खेल आपको नहीं करना है कि केवल आपका आंसर आ गया आगे बढ़ गया नहीं हमारा जो पढ़ाने का तरीका रूट से ग्रामर पढ़ाने का तरीका है एक ही चीज समझिए एट क्या है प्रेपोजिशन तो कॉन्टेस्ट तो नाउन हो जाएगा द आर्टिकल article है आर्टिकल्स गाइज हमेशा नाउन के लिए आते हैं तो आपको पता ही है बेटर देन बेटरिटिव डिग्री यूज हो रही है बेटर देन की बात हो रही है एनी वंस एल्स लिखा हुआ है ब्रदर्स आंसर यहां पर सब्जेक्ट है नाउन है ब्रदर्स क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा योर एडजेक्टिव है तो एक एक चीज लेके चलिए बेटा अब एक सिंपल सा रूल मैंने आपको पढ़ाया था यस yes. एक छोटा सा रूल एक सिंपल सा रूल मैंने आप लोग को पढ़ाया था वो क्या था मैंने क्या बताया था देखिए आगे मैंने कहा था आपसे कि एनी बडी समी नो बडी एवरीबडी एनी वन समन नो वन एवरी वन इन सभी के बाद गाइज इन सभी के बाद

लाइक योर डिज इज अर नॉट समी एल से हमसे प्रोकल्पनाउन के साथ भी, भी एपेस्ट्रॉफिकॉमे भी बताया था तो कुछ करना नहीं है देखिए क्या लिखा हुआ है एनी वंस के बाद एल्स आया था तो एपेस्ट्रॉफिकॉमे इसमें नहीं लगेगा बेटा एनी वन में नहीं लगेगा बेटा किसमें किस लग जाएगा एल्सेज में लग जाएगा ये चीज ध्यान रखिएगा पार्ट सी में रह रहेगा इस बिल्कुल पार्ट सी में रह रहे थैंक यू थैंक यू जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं थैंक यू तो बस इतना याद रखिए सम बडी नो बड़ी एवरी बडी everyone वन इन सभी के बाद अगर एल्स आया हो तो एपेस्ट्रॉफी कॉमा एस सिर्फ और सिर्फ किस में लगता है एल्स में लगता है ये रूल याद रखिएगा अगर इन सभी के बाद एल्स आया हो गाइस तो और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ठीक है ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा गाइस ठीक है चलिए किसी को भी कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो आप तुरंत पूछ सकते हैं तुरंत बातचीत कर सकते हैं अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन देखें साइंस क्या प्रूव कर चुका है साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरीज डिजीजेस की वर्मिन वर्मिन का मतलब गाइज मैं पहले भी बता चुका हूं कीट होता है जो अक्सर फसलों वगैरह को नुकसान करता है कीट हो गया राइट right, कीट वर्मिन कैरीज डिजीज बताइए किस पार्ट ने फटाफट आंसर दें यस ये ए पार्ट है ये बी पार्ट है ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है फटाफट बता दें देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्मिन हो गया राइट पुलिस हो गया पीपल हो गया कुछ बताए दे रहा हूं मैं सारे में बता दूंगा कैटल हो गया पीज एंट्री हो गया पीज एंट्री हो गया इनफेंट्री हो गया ओके इसके अलावा पोल्ट्री हो गया पोल्ट्री हो गया ये सब मैं पढ़ा चुका हूं इन सभी के बाद गाइज हम हमेशा प्लूरल वर्ब वर्मिन कैरीज नहीं होगा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म तो सिंगुलर के साथ आती है यहां क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा कैरी लगाना है वर्मिन कैरी डिजीजे ठीक है ये छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है ओके 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच आपसे ल्यूटली फंडलट गई जितने बच्चे जुड़ रहे हैं अगला देखते हैं इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयलिटी एंड इंटीग्रिटी फटाफट होते हैं देखिए बड़ा सिंपल सा है फोर्स का मतलब जानते क्या होता है फोर्स का मतलब होता है ताकत या आप कह सकते हो स्ट्रेंथ क्या कह सकते हो स्ट्रेंथ जो ताकत या स्ट्रेंथ होती है उसे बोलते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन होता है ये क्या होता है ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है लेकिन बेटा जब फोर्स का मतलब जब फोर्स का मतलब थल सेना वायु सेना राइट जल सेना ये सारी हो जाए तो फोर्स नहीं बोलते हैं फोर्सेस बोलते हैं यानी इंडियन ताकत की बात यहां नहीं हो रही है इंडियन सेना की बात हो रही है फोर्सेस की बात हो रही है इसमें हम थल जल वायु तीनों का यूज करते हैं राइट तो याद रखिएगा ओके okay, ये बिल्कुल मैंने एकदम डाउन टू अर्थ आके चीज आपको बता दी है तो इंडियन फोर्सेज हो जाएगा इंडियन फोर्सेज आर नोन जो फोर्सेज है इंडिया की ताकत थोड़ा ना जानी जाती है अपनी और इंटीग्रिटी के लिए उसकी उसके लोग उसकी जो सेना है वो जानी जाती है उसकी बात हो रही है आर्मी ट्रूप्स की बात हो रही है तो इंडियन फोर्सेज आर नोन फॉर देयर लॉयलिटी एंड इंटीग्रिटी लॉयलिटी एंड इंटीग्रिटी एब्स नाउन थोड़ा ना होगा लॉयलिटी एंड इंटीग्रिटी जो लोग हैं जो सेना है वो होगी तो फोर्स का मतलब ताकत होता है अनकाउंटेबल नाउन स्ट्रेंथ होता है अनकाउंटेबल नाउन लेकिन फोर्सेस का मतलब होता है जल थल वायु सेना, ठीक है ये चीज आप गलत अनामिका सिंह सरकारी मास्टर अनामिका जी क्या नहीं आया आप हमको जरूर बताएं बेटा प्लीज हमको जरूर बताएं राइट जरूर बताइए या तो आप इंग्लिश पढ़ ही नहीं रहे हैं बेटा कभी भी क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता और हम बताएं और आपको समझ में ना आए ठीक है okay. तो इंडियन फोर्सेज होता है राइट right? याद रखिएगा फोर्स force और फोर्सेज में अंतर होता है फोर्स का मतलब ताकत फोर्सेस का मतलब सेना ठीक है फोर्सेस के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं फोर्स के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं क्योंकि फोर्स का मतलब केवल ताकत या स्ट्रेंथ होती है ठीक है ये चीजें छोटी छोटी चीजें गाइज याद रखिएगा ओके चलिए ठीक वेरी गुड अगला देखते हैं द जज ऑर्डर आयरन ऑफ अक्यूज शुड बी रिमूव द जज ऑर्डर आयरन ऑफ अक्यूज बताए फटाफट सर साइंस की है ये तभी नहीं पल्ले पड़ रहा अनामिका को नहीं 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 कोई बात नहीं अगर अनामिका सुपर टेट यूपी टेट कोई भी एग्जाम आप देते हो या कोई भी एग्जाम आप टीजीटी टीजी टी, किसी का भी देते हो PGD, PGD, तो साइंस से दोगे लेकिन अगर आप प्राइमरी में कोई एग्जाम दे रहे हो तो इंग्लिश तो आपको करनी है आयरन तो देखो एक होता, iron, और एक होता हम आपके से पढ़ा रहे हैं आप क्या जानना चाह रहे हो आयरन का मतलब होता है मटीरियल नाउन मेटल या लोहा और आयरन का मतलब होता है जंजीरें शैकल्स बोल सकते हो चैटर्ड बोल सकते हो शैकल्स जंजीरें आप कह सकते हो इसको बेड़ियां आप इसको कह सकते हो गाइस बेड़िया कह सकते हो शैकल्स कह सकते हो तो भैया जज ने ऑर्डर दिया था कि उसकी मटेरियल ना लोहा ना हटा दो आयरन्स ऑफ अक्यूज जो अपराधी की आयरन है बेड़िया है उनको रिमूव कर देना चाहिए हटा देना चाहिए पैसिव में जा रहा है बिल्कुल जोत्ना मौर्य पता चल जाएगा फोर्स की बात हो रही है जब उसमें इंटीग्रिटी लॉयल्टी या पर्सन की बात हो तो फोर्सेस की बात हो रही है और जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो तो फोर्स की बात हो रही है सेंटेंस पढ़ के आपको पता चल जाएगा जोस्ना डोंट वरी ठीक है सेंटेंस पढ़ के पता चल जाएगा ओके 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 उसने बता दिया है कि मैसेज को आप तीन बार लिख रहे हो ठीक है ठीक है बिल्कुल तो यहां पर आयरन्स हो जाएगा आयरन्स ऑफ अक्यूज शुड बी रिमूव एक मिनट बेटा एक मिनट ओके okay. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए अगला देखते हैं वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ वॉज दैट हर फ्रेंड शाउटेड एट हर विथ अ व्यू टू मेकिंग हर अवेयर और हर रिपीटेड लैपसेस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस जितने भी मैंने अभी तक तो क्वेश्चन कराए हैं अधिकतर ये क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं जो आपको नहीं करना है फटाफट आंसर दें यस yes, फटाफट आंसर दीजिए गाइज आई एम वेटिंग आई एम वेटिंग ओके आई एम वेटिंग जल्दी से बताइए किस पार्ट में एरर है किस पार्ट में गाइस एरर है जल्दी जल्दी बताएं या बहुत ही कम बच्चों के भी रिप्लाईज आ रहे हैं वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव वॉज दैट हर फ्रेंड शाउटेड एड हर विथ अ व्यू टू मेकिंग हर अवेयर ऑफ हर रिपीटेड लैपसेस बताए किस पार्ट में एरर है? देखिए मैंने आपको बोला था कि वन ऑफ के बाद वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है क्या आता है वन ऑफ के बाद गाइस क्या आता है हमेशा प्लूरल नाउन आता है तो देखिए वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ लिखा हुआ है बिलीफ का जो प्लूरल नाउन है बिलीव नहीं हो जाएगा बेटा वो वर्ब का भी काम करता है ओके okay, वो वर्ब का भी काम करता है जो इसका प्लूरल हो जाएगा वो हो जाएगा बिलीफ क्या हो जाएगा बिलीव हो जाएगा राइट right? बिलीव हो जाएगा बी ई एल आई ई एफ एस हो जाएगा बिलीवस हो जाएगा गाइज बिलीफ नॉट बिलीव तो वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव हो जाएगा देखिए अधिकतर बच्चों ने गलत कर दिया और ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई थी ओके okay. नॉट बिलीव नॉट बिलीव अरे भैया तुम लोग पगलाए हो क्या तुम लोग वर बता रहे हो ये ही बिलीव्ड ही बिलीव वर्क का यूज क्यों कर रहे हो हम नाउन का यूज कर रहे हैं वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल हो जाएगा वर्ग प्लूरल हो जाएगा क्या कर रहे हो आप लोग बिलीवस हो जाएगा ठीक है याद रखिएगा यस 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 तो कुछ करना नहीं है प्लूरल नाउन हो जाएगा बस ठीक है अगला देखते हैं इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन अभी मैंने पीछे रूल बताया है अब ये तो नहीं गलत होना चाहिए अभी मैंने पीछे बताया कि वन ऑफ को देखिए कुछ देखने की फिर जरूरत ही नहीं है नाउन सीधे चेक करिए नाउन प्लूरल होगा तो वन ऑफ अवर फर्स्ट कन्वर्सेशन हो जाएगा बेटा यहां पर बिल्कुल भी मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है तो आया है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल शुक्ला कह रहे हैं धतूरा खाए नहीं नहीं धतूरा ना खाइए भैया इन वन ऑफ अवर फर्स्ट कॉन्वर्सेशन शी इन्फॉर्म्ड मी सिंपल पास्ट है तो देखिए पार्ट ए में फिर आ रही है वन ऑफ के बाद कन्वर्सेशन कीजिए कन्वर्सेशन हो जाएगा अगला देखिए ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम गर्ल का गर्ल्स प्लूरल होता है इसलिए केवल एपेस्ट्रॉफी कॉमा लगा कॉमन रूम में बैठने की बात की गई है फटाफट आ जाइए सेशन को सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लें फटाफट ताकि प्रॉपर तरीके से आपको क्लासेस मिलती रहें टाइम पे क्लासेस आपको मिलती रहें और अक्सर मैं इस समय क्लास नहीं लेता हूं मैं साढ़े दस बजे ही क्लास लेता हूं लेकिन स्केड्यूल बहुत टाइट है बहुत बिजी रहता हूं मैं तो मैंने सोचा इसी समय क्लास लगा दी जाए ताकि सभी बच्चे कर यस यस देखो पहले समझो ऑल द ऑल द अब ये पहले मैं दो तरीके से इसको समझाता हूं इसको मैं दो तरीके से समझाता हूं पहले मैं आपको ट्रिकी मैथड समझाता हूं स्टूडेंट्स नाउन है तो स्टूडेंट्स के पहले एडजेक्टिव आएगा एडजेक्टिव प्लूरल तो होता नहीं गर्ल हो जाएगा एक तो ये ट्रिक है मेरी कि आपको जल्दी समझ में आ जाए ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स की बात हो रही है ये तो मैंने आपको ट्रिकी तरीके से बताया लेकिन मैं आपको बता दूं जो कंपाउंड नाउन होते हैं क्या होते हैं कंपाउंड नाउन होते हैं उनमें सिर्फ मेन मेन का मतलब होता है जो बाद में आता है जो मेन नाउन होता है वही प्लूरल होता है आगे वाला सिंगुलर होता है जैसे देखिए मैंने बोला मेड सर्वेंट मैंने क्या बोला मेड सर्वेंट तो मेड और सर्वेंट में सर्वेंट मेन है आगे वाला हेल्पिंग है तो इसका प्लूरल हो जाएगा मेड सर्वेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा मेड सर्वेंट्स हो जाएगा या मैंने बोला फीमेल डॉक्टर मैंने बोला फीमेल डॉक्टर तो इसका प्लूरल हो जाएगा फीमेल डॉक्टर्स हो जाएगा याद रखिएगा कंपाउंड नाउन में जो मेन वाला नाउन होता है केवल वही प्लूरल होता है उसी को आपको प्लूरल करना है तो ये ट्रिकी तरीका है ट्रिकी तरीके से भी आप कर सकते हो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी तो जितने बच्चों का आ रहा है बिल्कुल सही तो यहाँ स्टूडेंट तो सही है गर्ल्स नहीं होगा बेटा गर्ल्स नहीं होगा गर्ल होगा ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट पैसिटेंस हेलो एकता यू कैसे बच्चा अगला देखते हैं एन अर्थक्वेक एन अर्थक्वेक इज आ नेचुरल फिनोमिना एंड नो बडी कैन चेक इट बी श्योर पक्का कोई नहीं चेक कर सकता क्योंकि ये तो एक प्राकृतिक घटना है फिनोमिना का मतलब मैंने बताया भी था नेचुरल या जो प्राकृतिक घटनाएं है, होती हैं उसे हम बोलते हैं बताइए इसमें कहा प्यार है राधे राधे संतोष यादव कैसे है हव यू थैंक यू थैंक यू एन अ नेचुरल फिनोमिना एंड नो बडी कैन चेक इट बी श्योर फटाफट आंसर दें यस 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 पहले समझो ए लगा हुआ है ना अब ए आएगा तो ए आएगा बेटा तो क्या हो जाएगा ए तो सिंगुलर के लिए आता है और फिनोमिना तो प्लूरल नाउन है फिनोमिना कैसा नाउन होता है प्लुरल नाउन होता है तो इसके लिए तो हमें सिंगुलर लगाना है एक प्राकृतिक घटना की बात हो रही है ना तो यहां पर गाइज फिनोमिन हो जाएगा फिनोमिनन हो जाएगा मैंने आपको बताया था एन राइट right? तो फिनोमिना क्या होता है फिनोमिनन का प्लूरल होता है प्लूरल नाउन की जरूरत नहीं हमें की है, गैस. तो फिनोमिनोम yes, yes, yes. ये देखिए मैंने आपको अभी पीछे बताया भी था ये बहुत डिटेल्ड वे में मैंने आपको ये बताया भी था ये देखिए आप देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में आपको बताया गया था ये देखिए फिनोमिनन का क्या हो गया फिनोमिना क्या हो गया फिनोमिना राइट right. तो फिनोमिनन याद रखिएगा हो जाएगा यहां ओके okay. तो गाइस यहां पर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आ रहा है जितने बच्चों का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है फिनोमिनन हो जाएगा पी एच ई ओ एम ई ओ एन फिनोमिनन ठीक है यस 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 फिनोमिन यस लगभग बच्चों के सही आ रहे हैं थैंक यू हा पीडीएफ में है ऑलरेडी पीडीएफ में है तो फिनोमिनन ए हटा के ओ एन कर दीजिए ओ एन कर दीजिए फिनोमिन कर दीजिए चलिए अगला देखते हैं द शेप ऑफ द वीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड बताइए क्या इसमें जैस जल्दी जल्दी बताइए यस 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 देखो शीव का मतलब क्या होता है जो हम लोग गठर या कह सकते हैं जो उठाते हैं सर पे ना बांध के उसे बोलते हैं बोझ टाइप का कोई गठर टाइप का उसे बोलते हैं तो द शीव ऑफ द वीट प्लांट वर टू हैवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड बताएं फटाफट बी बहुत से बच्चे बी आंसर दे रहे हैं देखिए यहां वर लगा हुआ है कैसा वर लगा हुआ है कैसा प्लूरल तो याद इसका होता, है शीव। शीव सिंगुलर होता है तो एस एच ई एफ शीफ का जो प्लूरल होता है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा बताएगा? बताएगा एस एच ए वी ए एस। हो जाएगा मैंने आपको बताया था क्या बताया था कि एफ या एफ ई हटाकर हम क्या लगा देंगे वीई एस -E लगा देंगे क्या लगा देंगे वीई एस -E लगा देंगे बिल्कुल हो गया जैसे नाइफ हो गया देखिए नाइफ हो गया लाइफ हो गया लाइफ हो गया नाइफ हो गया या वाइफ हो गया ठीक है काफ हो गया या गाइस हाफ हो गया इन सब में वीई एस -E लगा के आप इसका प्लूरल बना दें वोल्फ हो गया ठीक है इन सब में वीई एस लगा के इसका प्लूरल बना दें तो शीफ का क्या हो जाएगा शीव हो जाएगा जो गठरों की बात हो रही है शीप्स ऑफ द वीट प्लांट वर वर लगाए तो जाहिर बात है प्लूरल का यूज करना है और प्लूरल एस एच ई एफ एस नहीं होता बेटा एस एच ई एस होता है यह चीज आप ध्यान रखिएगा जाकिर कह रहे हैं प्लीज डोंट रिपीट द वर्ड यस अरे यार जाकिर है तो बोलने मुझे अच्छा लगता है राइट अब तुम कह रहे हो तो मैं नहीं रिपीट करूंगा ठीक है चलिए वेरी गुड वेरी गुड यस यस बोलना बहुत पसंद है मुझे इससे क्या होता है बच्चे बूस्टअप हुआ करते हैं है ना यस यस रजनी बिल्कुल 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 चलिए अगला देखते हैं लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स सेड आ लिंग्विस्ट इन हिज लेक्चर ऑन लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स बताएं फटाफट लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सैवरल स्ट्रेटम्स सेड आ लिंग्विस्ट लेक्चर ऑन लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स फटाफट होता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं अब देखिए यहां पे सेवरल लगा हुआ है मैंने आपको बताया था कि सेवरल राइट वेरियस वेरियस हो गया सेवरल हो गया सर्टेन हो गया इन सभी के बाद बेटा प्लूरल नाउन आता है कैसा नाउन आता है प्लूरल सर्टेन बॉयज होगा वेरियस कंट्रीज होगा सेवरल बुक्स होगा सेवरल स्टूडेंट्स होगा वॉर्ड एवर वॉर्ड और स्ट्रेटम तो एक तरह से सिंगुलर होता इसका प्लूरल क्या होता स्ट्रेटा होता क्या होता स्ट्रेटा स्ट्रेटा यहां यूज करना है स्तर यूज करना है लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटा हो जाएगा स्ट्रेटम का यूज गज हम सिंगुलर में करते हैं कुछ फॉरेन वर्ड्स जो मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल पढ़ाए थे उसमें चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है तो लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटा सेड लिंग्विस्ट इन हिज लेक्चर ऑन लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स ठीक है बिल्कुल क्योंकि इसके पहले बेटा सेवरल लगा है इसीलिए हमें प्लुरल नाउन की जरूरत है अगला देखिए आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस तो किसी एक नाउन पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अगर दो नाउन अधिकार बता रहे हैं दो नाउन गाइज अधिकार बता रहे हैं तो जो फर्स्ट और सेकंड जो लास्ट वाला होता है उसमें इस हट जाएगा राम्स में लगाने की नहीं है तो आई विजिटेड राम एंड सीताज हाउस हो जाएगा गाइज ए पार्ट में रह रहा है। जैसे मैं कहूं यह दुकान करण और विजय की है तो करंस करंस एंड विजय मैं नहीं बोलूंगा करंस एंड विजय नहीं बोलूंगा बेटा मैं मैं क्या बोलूंगा करण एंड विजय करण एंड विजय लास्ट वाले में हम लगाते हैं तो आई विजिटेड राम एंड सीताज हाउस थ्राइस बट फाउंड द कपल ओके यस यस थैंक यू थैंक यू वेरी मच डियर अगला देखिए द ब्रिथन ऑफ दिस लोकैलिटी आर ऑलवेज डैगर्स ड्राउन विदाउट एनी अपरेंट रीजन बेटा बिना बिना किसी क्लियर रीजन के कभी कभी मतलब कह सकते हैं कॉन्ट्रोवर्सी रहती है बताएं बेटा क्या होगा ड्रैगर्स ड्राउन होता है ये भी मैं बता दूं ड्रैगर नहीं होता ड्रैगर्स डैगर्स सॉरी डैगर्स ड्राउन कई बार ये आया है डैगर्स लिखा था डैगर्स होता है ये चीज आप ध्यान रखिएगा फटाफट -फड़ बताएं इसमें क्या होगा बहुत से बच्चे बी आंसर दे रहे हैं देखते हैं कितने बच्चे सी आंसर देते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं देखता हूं मैं बताएं बताएं बेटा इसका आंसर दें ओके तो देखिए मैं पहले आप लोगों को बता दूं। एक होता है ब्रदर ब्रदर आपको पता है सन्स ऑफ द सेम पेरेंट राइट आपके भी भाई होंगे हमारे भी भाई हैं तो एक ही पेरेंट्स के जो बॉयज होते हैं वो आपस में क्या होते हैं ब्रदर्स होते हैं लेकिन अगर हम ब्रदर यूज कर रहे हैं तो ब्रदर का मतलब होता है मेंबर ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी अगर शुद्ध भाषा में क्या तो भाईचारा जो समाज में आप रहते हो ना बंधुत्व की भावना होना बंधुत्व की भावना को हम ब्रेदन कहते हैं क्या कहते हैं ब्रेदन कहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैं आपको बता दूं और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है बिल्कुल यस यस तो द्रेदेंस ब्रेडेंस ऑफ दिस लोकैलिटी लिखा हुआ है तो ये अपने आप में प्लूरल है इसमें एस लगा के इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता ये अपने आप में प्लूरल होता है द ब्रेदिन ऑफ दिस आर ऑलवेज डैगर्स ड्राउन विदाउट एनी अपर रीजन ये अपने आप में प्लूरल है इसमें एस लगा के इसको प्लूरल ना बनाइएगा इसको एज इट इज आपको ऐसे ही लिखना है इसमें एस नहीं लगाना इसका मतलब होता है भाईचारा होना बिल्कुल बंधु बांधव होना सभी भाई हैं समाज में अपने ओके नयनी ऋतु चौधरी गलत है गलत है बेटा गलत ये अपने आप में प्लूरल होता है ये अपने आप में प्लूरल होता है प्लूरल वर्ब आएगा बिल्कुल सही है यहां पर बिल्कुल क्लियर है तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा अगला देखते हैं वेन यू सी वेन यू सी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेन यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग यू कांट बिलीव यू कांट बिलीव अभी देखिए मैंने बिलीव आपको बताया था वर्ब होता है कि नहीं होता देखिए कैन नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही है देखिए आया हुआ है you can't believe that he is above फड़। थांक यू कान बिलीव दैट ही इज अबव सेवेंटी बताए फटाफट थैंक यू थैंक यू जाकिर थैंक यू जल्दी बताएं क्या होगा फटाफट फड़ा आंसर दें यस 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 देखिए पहले मैं बता दूं यहां पार्ट ए में रह रहे ऑफ स्प्रिंग्स नहीं यूज होगा गाइज क्या यूज होगा ऑफ स्प्रिंग यूज होगा खाली एस इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है इसका मतलब होता है संतान क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है आपका चाइल्ड या संतान सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में ये यूज होता है ऑफ स्प्रिंग जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरीके से आता है जैसे शीप हो गया डियर हो गया स्वाइन हो गया फिश हो गया ऐसे ही ऑफ स्प्रिंग होता है इसमें एस लगा के इसको प्लूरल बनाने का प्रयास ना करिए मैं बता दूं ये बेटा सिंगुलर और ये प्लूरल दोनों ही रूप में सही है याद रखिएगा इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है जैसे मैंने कहा हर हर फर्स्ट पहला उसका संतान तो इसमें देखिए ऑफ स्प्रिंग

ट कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशन सेट द क्लास टीचर बताए बेटा क्या होगा मच yes, अलका नहीं नहीं ये तो पेड बैच का प्रैक्टिस सेट था जो मैं अभी करा रहा हूं आपको ये कोई प्रॉपर टाइम नहीं है मेरा मेरा दस साढ़े दस वाला ही टाइम है लेकिन अब सेशन ज्यादा है तो क्या करें टाइम तो सेट करना पड़ेगा अब क्योंकि गर्मी आ गई है तो मैं साढ़े आठ नौ बजे भी सेशन क्रिएट कर सकता हूं क्योंकि आप, आप समझ सकते हैं कि आप जल्दी जग जाते होंगे जाड़े वगैरह में में थोड़ा दिक्कत होती है सुबह उठने में। लो कुछ बच्चे इस बता रहे हैं अरे भैया यहां पर जब प्लूरल प्लुरल वर्ब लगाए तो यह बात समझ लो कि आगे भी आपको प्लूरल नाउन का इसको ना। दो पार्ट में तो एरर हो नहीं जाएगा अगर ये प्लूरल वर्ब आप गलत मान रहे हो तो यानी हम यहां आसर्टेन लगाए क्या लगाए आसर्टेन लगाए ग्रामर ही पूरी चेंज कर दे हम तो बेटा ये चीज अब फिर हम दो एरर थोड़े ना कर सकते हैं यहां हमें आ लगाना पड़ेगा वहां हमें इज करना पड़ेगा तो अगर आर लगा हुआ है तो इसको बॉयस कर दो क्या कर दो बॉयस कर दो याद रखिएगा आ सर्टेन आ सर्टेन के बाद होता है सिंगुलर नाउन और केवल अगर सर्टेन आया है तो इसका मतलब होता है सम इसके बाद हो जाएगा प्लूरल नाउन ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा दो पार्ट में थोड़े ना एरर बिल्कुल बिल्कुल श्वेता शर्मा करवाया जा रहा है एलटी की तैयारी पूरी करवाई जा रही है पेट बैच भी चल रहा है

गलत करके ही बच्चे आते हैं मैं देखना चाहता हूं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका मैं दमखम देखना चाह रहा हूं कि आप लोग तो गलत नहीं करते हो बताइए फटाफट फटाफट -फड़। -फड़ आंसर दें फटाफट बताएं यस यस थैंक यू थैंक यू वेरी मच अभी रिप्लाई नहीं आ रहा है बी कुछ बच्चे बी बता रहे हैं रेखा बी चलिए बहुत से बच्चे आंसर बी बता रहे हैं ठीक है रेशु आदित्य रचना प्रियंका राय बी, बी 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 अरे होगा क्या एरर नहीं होगा क्या तो देखिए मैं आपको बता दूं यहां पर हो जाएगा वेयर अबाउट हो जाएगा क्या हो जाएगा वेयर अबाउट याद रखिएगा वेयर अबाउट का प्रयोग नहीं होता है ये गलत वर्ड लिखा हुआ है वेयर अबाउट्स हो जाएगा वेयर अबाउट्स याद रखिएगा नाउन के रूप में जब यह नाउन के रूप में यूज होता है तो इसका मतलब होता है अता अता पता क्या मतलब होता है अता पता जैसे मैं कहूं उसका कुछ अता पता है कि नहीं आजकल वेयर अबाउट्स कहेंगे एस लगेगा राइट अता पता सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है इसके साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों का हम यूज कर सकते हैं ठीक है तो आई नो नथिंग अबाउट इज कहाँ है मुझे नहीं पता हिज वेयर अबाउट उसका अता पता मुझे नहीं पता है ही सेट टू मी उसने मुझसे कहा वेयर अबाउट हो जाएगा इसका मतलब होता है आता पता आपका ये सिंगुलर और दोनों तरीके से यूज होता है ठीक है तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा थैंक यू थैंक यू आप जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो ये ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन की सीरीज खत्म होती है राइट एल टी टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी सुपर टेड यूपी टेट कोई भी बैच आपको ज्वाइन करना हो ये नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर आप एंट्री लिखकर भेज दीजिए आपको तुरंत ऐड कर लिया जाएगा पांच मिनट में राइट नंबर यही है चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज ना भूलिएगा जितने भी बच्चे देख रहे थे प्लीज गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक यू वेरी मच बेस्ट ऑफ लक